अपशगुन किस सेंस में? अब मेरा मतलब अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो इनके लाइफ में कुछ बुरा होता, लेकिन अगर इन दोनों की शादी नहीं होगी तो फिर कुछ बुरा नहीं होगा, राइट? तो फिर एक काम करते हैं, ये शादी कैंसिल कर देते हैं। शादी कैंसिल? कैसी बातें कर रहे हो आप भाई? ये शादी कैंसिल कैसे हो सकती है? अगर मैं ये शादी करवा सकता हूँ तो मैं ये शादी कैंसिल भी तो कर सकता हूँ। है ना पंडित जी? क्या हुक्म है? जब सारे निर्णय स्वयं लेने थे तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? वो स्वयं भाई, क्या हो गया आपको? सब कुछ ठीक से हो रहा था, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, तो फिर अब ये नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नहीं आलिया, ये ड्रामा नहीं, ये तो रियलिटी है। रियलिटी? थोड़ा इंतजार करो, सब समझ में आ रहा। सॉरी, क्या हो गया? इट्स डिसेंबर, पार्टी टाइम, कम ऑन लेट्स टेक अ वॉक। अरे चलो, शादी क्यों रुकवाई आपने? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। तब जब मैंने कहा था कि इनकी शादी करवा के आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन आपने तब मुझे समझाया था और मुझे समझ में आ गया था दैट यू आर राइट, हमें इनकी शादी करवानी चाहिए। लेकिन आज जब सब कुछ सही हो रहा था तो अब ये क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, इनका सारा सच जानने के बाद भी। गलत मैं आज नहीं, गलत मैं तब था जब मैं इसके सच को झूठ समझ बैठा। और मेरा डिसीजन तब नहीं, आप सही है। अब ऐसा क्या हो गया? मुझे सच का पता चल गया। दोनों का सच, उस MMS का सच। सच भाई, कौन से सच की बात कर रहे हो आप? अरे आपने भी तो इनका MMS देखा था ना, और आपने यकीन भी किया था, तो फिर अब किस सच की बात कर रहे हो आप? आलिया, मुझे भी उस MMS पे यकीन था, लेकिन तब तक जब तक इसने उस डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किए थे। बहुत अजीब है ये लड़की, इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि कहीं मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर। पहले MMS, डिवोर्स, मुझे लगा कि डिवोर्स के बदले में ये मुझसे पैसे मांगेंगी, लेकिन जब एलिमनी में इसने कुछ भी लेने से इनकार किया ना, तब मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं इस बात के तह तक जाऊंगा, सच का पता लगाऊंगा। लेकिन सच का पता लगाने के लिए मुझे टाइम की जरूरत थी, और मैं जानता था कि एक बार डिवोर्स हो जाए फिर इसके बाद ये इस घर में नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने जानबूझ के इस नकली शादी का ड्रामा किया ताकि मुझे टाइम मिले और सच का पता लगे। और सच यह है कि वो MMS नकली था। हम लोगों ने जो देखा वैसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको अपनी बेटी पर भरोसा था, तुम्हें तुम्हारी बहन पर भरोसा था, एक मैं ही था
जो इसके साथ रहकर भी इसके सच को नहीं जान पाया, इस पे भरोसा नहीं कर पाया। What rubbish भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे आपने ही तो कहा था कि आप ये आंखों देखी और ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। Then what has happened to you भाई? जरूर इसने कोई कहानी सुनाई होगी आपको। I just don't understand भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने वो MMS देखा, आप जानते हैं सच क्या है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई आप। और आप मुझे एक बात बताइए, जो आप ये सब कुछ बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है? सबूत है मेरे पास। राम सिंह। जी सर। जो सीडी मैंने तुम्हें दी थी उसे सबके सामने प्ले कर। हम लोगों ने वही देखा जो हमें दिखाया गया। आई मीन उस वीडियो को हम लोगों ने लाइट ऑफ होने तक ही देखा। लाइट ऑन होने के बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, और यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो मैं बंटी और बबली को पढ़ाने आया हुआ था। तुम्हारी भाभी है ना मिताली, वो कल कॉलेज आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चों को ट्यूशन दो, और आखिरी में कहा कि तुमने उन्हें मेरा नाम दिया। मैंने मैंने कब कहा? तुम घर पे अकेली क्या कर रही हो? मुझे उनका परफॉर्मेंस देखना था, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी ऊपर आ रही थी। तुम प्लीज टीवी ऑन कर दोगे? ये वीडियो आपको कहां से मिला? बेडरूम में तो कोई कैमरा भी नहीं है। लगता है अब तुम्हें शुरू से समझाना होगा। कल ही शादी है और अभी तक कुछ पता नहीं चला। कैसे पता लगाओ कि सच क्या है, और वो भी दादी के ठीक होने से पहले? क्योंकि अगर वो अब ठीक हो गई तो ये सब देख के उन्हें एक और शॉक लग जाएगा, और सेकेंड शॉक तो और उधर उस चश्मिश के साथ इतना बुरा करने पे मुझे भी बुरा लग रहा है। उसकी आंखें जैसे हर टाइम मुझसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि मैं ये सब रोक दूं। कैसे निकलूं इन सबसे बाहर? ये तो बंटी की कार है जो मैंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। ये यहां क्या कर रही है बंटी? ये क्या है बंटी? तूने ये गाड़ी मेरे कमरे में क्यों छोड़ दी? अगर तुझे ये गाड़ी पसंद नहीं थी तो मुझे बता देता, मैं तुझे कोई और गिफ्ट दे देता। नहीं चाचू, ये कार तो मुझे बहुत पसंद थी और मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। अच्छा। आपको पता है चाचू, इस कार में कैमरा भी लगा हुआ है। मैं जब इसके साथ खेल रहा था तो मैंने एक चूहा देखा, और फिर मैंने कार उसके पीछे दौड़ा दी। चूहा आगे भाग रहा था और कार उसके पीछे। उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। चाचू मुझे इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। उस टाइम तो हम बस मस्ती के लिए वीडियो देख रहे थे, पर फिर मैंने वो देखा जो कभी सोचा भी नहीं था। बंटी बेटा कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ चाचू, मैं बुकर के बस 5 मिनट। किस्मत, किस्मत सच्चे लोगों का साथ देती है। सिर्फ सुनाई था लेकिन आज देख भी ली। और इसकी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है कि उस दिन ये गाड़ी उस कमरे में थी। इसलिए लाइट्स ऑन होने के बाद जो कुछ भी हुआ ना, इस गाड़ी ने रिकॉर्ड कर लिया, वरना इसका सच हमें कभी पता नहीं चलता। हाँ गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह होने से इस गाड़ी ने बचाए। आई एम सॉरी, मैंने
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम पर भरोसा ना करना ऐसे था जैसे आंख बंद करके सूरज की तरफ देखकर ये कहना कि सूरज है ही नहीं। तुमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन अंत में तुम सही थी और मैं गलत। हाँ थोड़ी ईगो है मुझ में, इसलिए गलत साबित होने पर बुरा लगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम इनोसेंट साबित हुई। जितना बड़ा मेरा नाम है ना, आज मैं उतना ही छोटा महसूस कर रहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हें टॉर्चर किया, तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफी मत मांगिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपको मेरा सच और अपनी गलती का एहसास हो। और गलती इंसान से अनजाने में होती है, लेकिन जो एहसान आपने मुझ पर किया है उसके पीछे आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी नीयत है। हाँ मुझे बहुत बुरा लगा था कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पर, लेकिन आज सबके सामने आपने मुझे गुनाह साबित किया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। आपने मुझ पर भरे भरोसा ना किया हो, लेकिन मुझे जो अपने कुमकुम पर भरोसा था उसे टूटने नहीं दिया। आपने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए, लेकिन आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आपको सच्चाई का पता पहले से चल गया था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर सबूत मिल गया था तो ये शादी रुकवा देते। आपने अपने परिवार को और प्रज्ञा के परिवार को शर्मिंदा ही कर दिया। हाँ मैं चाहता तो ये शादी पहले ही रोक सकता था, लेकिन सच जानने के बाद मैं उस इंसान का पता लगाना चाहता था जिसने प्रज्ञा और सुरेश का ये MMS बनाया था। जिसकी वजह से दोनों परिवार को इतनी तकलीफ हुई, जिसकी वजह से प्रज्ञा को ये सब कुछ सहना पड़ा। और जिसकी वजह से आज मेरी दादी की यह हाल है। मैं उस इंसान को ढूंढना चाहता था, इसलिए मैंने ये शादी का नकली ड्रामा किया। फिर मैंने सोचा कि कौन हो सकता है जो ये काम कर सकता है। मैंने इन्वेस्टिगेशंस की अपने राइवल्स और अपनी एनिमीज पे, लेकिन वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि ये काम तो कोई ऐसा ही कर सकता है जिसे इस घर की नॉलेज हो, जो इस घर से जो वो बहुत ही शातिर है। उसने उस MMS को भेजने के लिए बड़ी चालाकी से आकाश का मोबाइल यूज किया ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके। इसलिए उसे ढूंढने के लिए मुझे सब पर नजर रखनी पड़ी। और कौन इस शादी पे कैसे रिएक्ट करता है, कौन रिलैक्स्ड है, कौन टेंस्ड है, और कौन सबसे ज्यादा खुश। एंड व्हेन आई फाउंड आउट कि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे इतने करीब है, आई वॉज शॉक्ड।
काश कि मैंने उसे कभी ढूंढा ही नहीं होता। कौन है वो? आलिया। आलिया आलिया कहा भाई? How could you even say my name? आपको क्या लगता है मैंने किया ये सब कुछ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने मेरा नाम लिया। भाई क्या हो गया है आपको? This is so disgusting. Yes, it is disgusting. और तुमसे ज्यादा मुझे इस बात का बुरा लगा है कि मेरी अपनी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। अरे जिसे मैं अपनी परछाई समझता था उसने मुझे अंधेरे में रखा। याद है तुम्हें आलिया? याद है कि मैं तुमसे क्या कहता था कि मेरी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी बहन ऐसी है नहीं। लेकिन आज मैं खुद से यह सवाल पूछ रहा हूं कि मेरी बहन ने आखिर ऐसा किया क्यों? एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतनी गंदी हरकत। I'm feeling backstabbed, Alia. I'm feeling hurt. इस बात के लिए नहीं क्योंकि तुमने प्रज्ञा के साथ ये सब कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानती थी कि इस हरकत के बाद दादी को क्या शॉक लगेगा। उसके बावजूद तुमने ऐसी गंदी हरकत की। वाह भाई वाह, मुझ पर आई तो इतनी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अपनी वाइफ के लिए तो इतने सारे सबूत ले आए थे, मेरे लिए भी कोई सबूत है या नहीं? या फिर ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो आप? आलिया, इतने प्रूफ है ना कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। शुरुआत इससे करते ये वही सिम कार्ड है जिससे वो MMS भेजा गया, और ये सिम कार्ड मुझे तुम्हारे कमरे से मिला। लेकिन इसके बावजूद मैंने इस बात पर यकीन नहीं की। मुझे लगा कि किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए सिम कार्ड को तुम्हारे रूम में रख दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे ये ट्रिक का इस्तेमाल किया और इस सिम कार्ड से तुम लोगों को SMS भेजा और एक खाली एनवेलप भी, सिर्फ तुम लोगों के रिएक्शन को जानने के लिए। और रिएक्शन में मुझे क्या मिला आलिया? तुमने उस एनवेलप को चोरी किया, उसके बाद उस एनवेलप को जला दिया। तुम आधा झूठी जला पाई और आधा सच ये रहो। ये रहा जो तुमसे ये सवाल कर रहा है कि आखिर तुमने ये सब कुछ किया क्यों? तुमने उस एनवेलप को चुराया क्यों? तुमने उस एनवेलप को चलाया? जवाब दो। बोल दो ना कि ये सब झूठ है। कह दो कि मैं झूठ बोल। जिस तरह तुमने प्रज्ञा की हर बात को झूठा साबित किया ना, उसी तरह मुझे भी झूठा साबित करो। बोलो कि सिर्फ तुम ही सच्ची हो। हा? चुप क्यों? ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये बेकसूर है, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी क्योंकि मुझे तुम पर इससे ज्यादा भरोसा था। इतना प्यार करता था तुमसे। I was proud that you are my sister. मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने प्रज्ञा के साथ क्या किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने दादी को भी नहीं बख्शा। तुम जानती हो कि मैं दादी से कितना प्यार करता हूं ना, और उसी प्यार के लिए आज के बाद मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूंगा।
I will only hate you.